प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। सबसे पहले बंदी छोड़ दिवस की सभी श्रोताओं को लख लख बधाई। आज हम आपको बंदी छोड़ दिवस का इतिहास सुनाएंगे। सिख समुदाय दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। इसका मुगलों से जुड़ा इतिहास है। सिख धर्म में दीपावली के दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार सिखों के तीन त्योहारों में से एक है, जिनमें पहला माघी, दूसरा बैसाखी और तीसरा बंदी छोड़ दिवस है। मुगलों ने जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किले को अपने कब्जे में लिया तो इसे जेल में तब्दील कर दिया। इस किले में मुगल सल्तनत के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों को कैद करके रखा जाता था। बादशाह जहांगीर ने यहां 52 राजाओं के साथ छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब को कैद रखा था। जानकार बताते हैं कि जहांगीर को सपने में एक रूहानी हुक्म के कारण श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था। जब मुगल बादशाह को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हरगोबिंद साहिब से लौटने का आग्रह किया। इसके बाद गुरु साहिब ने कहा कि वह अकेले नहीं जाएंगे। उन्होंने कैदी राजाओं को भी मुक्त कराने की बात कही। गुरु साहिब जी के लिए 52 कली का चोला वस्त्र सिलवाया गया। 52 राजा जिसकी एक एक कली पकड़कर किले से बाहर आ गए। इस तरह उन्हें कैद से मुक्ति मिल सकी थी। दिवाली वाले दिन सिखों के छठवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब का अमृतसर आगमन हुआ था। गुरु साहिब जी ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से मुक्त कराकर अकाल तख्त साहिब पहुंचे थे। उस वक्त आतिशबाजी के अलावा युद्ध कौशल दिखाया गया था। पूरे अमृतसर शहर को दीयों की रोशनी से सजाया गया था। इस दिन को दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी बंधनों को मुक्त कराने वाले दाता का खास दिन। इस दिन सिख संगत और सिख संगठनों द्वारा खास तौर पर धार्मिक समागमों का आयोजन किया जाता है। समागम में कीर्तन और कथा करवाए जाते हैं। इस दिन को ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया जाता है, लेकिन इन समागमों को करने का तभी महत्व है जब सभी लोग गुरुजी द्वारा दिखाए गए सच के रास्ते पर चलें। इस दिन बड़े स्तर पर आतिशबाजी होती है और साथ ही गुरुद्वारों में दीप जलाए जाते हैं। श्री मुक्तसर साहिब के श्री दरबार साहिब, गुरुद्वारा तरन तारण साहिब, गुरुद्वारा श्री तंबू साहिब, गुरुद्वारा टिब्बी साहिब और गुरुद्वारा शहीद साहिब में खास तौर पर दीप जलाए जाते हैं। वहीं बंदी दिवस के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारे में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा इसे मान लिया गया। इस नाम का संबंध श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की रिहाई से है, जिन्हें जहांगीर द्वारा स्वतंत्र किया गया था। बंदी छोड़ दिवस को दीपावली के समान ही मनाया जाता है, जिसमें घरों और गुरुद्वारा साहिबों को रोशन किया जाता है, उपहार दिया जाता है और परिवार के साथ समय बिताना होता है। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।